बताएं कि छुट्टी का रोज हो तो नाश्ता बाहर से ही करना बनता है। खाबों के शौकीन लाहौरियों ने गवाल मंडी का रुख किया है। सिरीपाए, नान चने, हलवापुरी, हलीम और नेहारी वगैरह से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। इसी पर मजे जानेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज नताशा रहमान से। नताशा बताइएगा। का रोज़ हो, मौसम भी अच्छा हो और इसके साथ साथ हो जाए बाहर से मज़ेदार सा नाश्ता, तो क्या ही बात है। आज मैं मौजूद हूँ ग्वाल मंडी में और ग्वाल मंडी में लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो नाश्ता करने यहाँ पर आई हुई है। शहरी अपने मनपसंद का नाश्ता करते हमें नज़र आ रहे हैं। कोई यहाँ पर बोंग खा रहा है, कोई सिरी पाए खा रहा है। मेरे साथ भी कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा क्या कहना चाहेंगे। बहुत अच्छा है, हमने यही सुना था कि यहाँ के पाए बहुत मशहूर हैं, तो स्पेशली हम सुबह आएँगे पाए लस्सी ट्राई करेंगे यहाँ पर। आपने इनकी बात सुनी कि लाहौर के जो पाए हैं स्पेशली वो बहुत मज़े के होते हैं और लाहौर तो वैसे ही खाबों के लिहाज से पहचाना जाता है। कुछ और लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप मुझे बताइएगा कैसा लगा आपको लाहौर का खाना। बहुत मज़े का, स्पेशली ये लस्सी का गिलास मैंने फर्स्ट टाइम देखा, इतना बड़ा गिलास और बहुत टेस्टी है। बिल्कुल, आपने इनकी बात सुनी। इनका ये कहना है कि लस्सी जो है वो लाहौर की वो भी बहुत मज़ेदार है और साथ ही साथ जो लाहौर का नाश्ता है वो भी बहुत मज़ेदार है। तो लिहाजा शहरियों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर हमें नाश्ते पर हाथ साफ करते नज़र आ रही है कि लाहौर तो वैसे ही खाबों के लिहाज से मशहूर है, तो लिहाजा लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर नाश्ते पर हाथ साफ करते हमें नज़र आ रही है। जी।